हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रीता शर्मा। मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काली तोरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मैंने बहुत इजी ढंग से बनाया है। काली तोरी लेकर अच्छी तरह से धोएं और उसके छिलके निकालने के बाद इन्हें काटें। यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे झटपट बनाकर आप खा सकते हैं। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें मैंने प्याज को मोटा मोटा काट लिया है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च प्याज के बीच में भी डाल दी है। जीरा, धनिया, नमक और हल्दी, ये मसाले भी मैंने अपने पास रख लिए हैं। तो आइए अब इसमें तड़का लगाते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं साबुत जीरा डालकर थोड़ा भून लूँगी। उसके बाद मैं धनिया पाउडर इसमें डालूँगी और इसी के साथ ही मैं इसमें प्याज के टुकड़े भी ऐड कर दूँगी। ये सब्ज़ी बनानी बहुत ही आसान है और झटपट बनकर भी तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर और नमक ये भी इसी में ऐड कर दूँगी और मसाले को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। इसके बाद इसमें मिक्स की हुई इस सब्ज़ी को डाल दें। काली तोरी की यह सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे सभी पसंद करते हैं। मसाला गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें इस कटी हुई सब्ज़ी को ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मसाले में सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसे ढककर पकाएं और गैस की आंच को कम कर दें। इस सब्ज़ी को हमेशा कम आंच पे ही पकाएं और धीरे धीरे सब्ज़ी को पकने दें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और हम सब्ज़ी को ढककर कुछ देर के लिए पकने के लिए रख लेते हैं। सब्जी का ढक्कन उठाकर चेक करते हैं तो देखिए सब्जी अब कितनी कम हो चुकी है और अच्छी तरह से पकनी भी शुरू हो गई है। और इसमें कटे हुए टमाटर कितने बढ़िया लग रहे हैं इस तरह से। सब्जी को थोड़ा चेक करके चलाएंगे। देखिए सब्जी पकनी शुरू हो गई है। अब इसमें से तेल भी निकलना शुरू हो गया है। देखिए इससे तेल बाहर निकलना शुरू हो गया है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी पूरी तरह से सूख गया है। तो अब हम इसे फिर से थोड़ी देर और ढककर पकाएंगे। अब इसका ढक्कन फिर से हटाएं। तो देखिए अब तोरी की सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है और इसमें से घी निकलना भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप भी तोरी की सब्ज़ी को बनाएं और बनाकर अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब गैस को बंद कर दें और इस सब्ज़ी का आनंद आप चपाती और पूरी के साथ लें। सब्ज़ी पककर तैयार है। काली तोरी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस सिंपल ढंग से आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाएं।